अर्थ है कि वह नीचे वालों पर उतरता है, ऊंचे वाले। एक बार क्या हुआ कि गामा पहलवान छत के ऊपर कसरत कर रहा था, दंड बैठक लगा रहा था, ईट रख करके दंड कर रहा था। नीचे से मुल्ला नसरुद्दीन मरियल निकला और गामा पहलवान कसरत करते करते उसके हाथ से ईट छूट गई और धड़ से जाके मुल्ला के सिर पे। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है तू? मेरा सिर फोड़ दिया कमबख्त, मैं देखता हूं आके तेरा सिर फोड़ूंगा। बड़े गुस्से में आवेश में गया, छत पर चढ़ा। जैसे ही छत पर चढ़ा गालियां बकने लगा। गामा ने कहा, कौन है रे तू? अरे बोले, आप है क्या? बोले हाँ। बोले, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों गाली दे रहा है? बोले, गाली कहां दे रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। तो बोले, क्या बात है, तू मेरा सिर फोड़ेगा? सिर ईट लेके आया है हाथ में, मरोड़ के रख दूंगा तेरी गा। अरे बोले, नहीं भाई साहब, मैं सिर फोड़ने थोड़ी आया हूं, ये आपकी ईट गिर गई थी तो वापिस लौटाने आया हूं। किसे आप संभालिए, आपकी ईट गिर गई भाई साहब, संभालो। ध्यान रख, गया था सिर फोड़ने। जब शेर पर सवा शेर मिल जाता है ना, तो क्रोध छू मंतर हो जाता है, क्रोध ज्यादा देर तुम्हारे पास टिकता है। जब भी गुस्सा आए अपने से बलवान के सामने जाकर के खड़े हो जाना। दूसरी बात, रोज सुबह जब तुम उठो, शिविरार्थियों को भी मैं कह रहा हूं, रोज सुबह उठो तो मां बाप को धोक बाद में देना, भगवान को प्रणाम बाद में करना। जैसे ही उठकर बैठो, डेढ़ मिनट मुस्कुरा लेना। ध्यान रखना, मुस्कुराहट क्रोध की दुश्मन है। ध्यान रखना, यदि चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो क्रोध भाग जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या हंसी होगी या क्रोध होगा। क्रोध होगा तो हंसी नहीं होगी, और हंसी होगी तो कभी कोई कर सकता है कि गुस्सा भी करे और मुस्कुराता भी जाए? वो क्रोध हो ही नहीं सकता है। लाख कोशिश करे, रोज सुबह उठकर के डेढ़ मिनट पहले जी भर के मुस्कुरा लो, जी भर के हंस लो, बिना कारण के हंस लो। और ना हंसी आए तो बाहर झुग्गी झोपड़ी है ना, यहां से लाफिंग बुद्धा खरीदो और अपने बेडरूम में अपने बेड के सामने रखो, उस मोटे से बुद्ध को देख करके आनंद से हंस लिया करो। ऐसी चीजें लगा दो, या दिन भर में ऐसी कोई बात हुई हो उस बात को याद कर लो और तुम्हें हंसी आ जाए, समझना क्रोध छू मंतर। सुबह सुबह यदि मुस्कुरा लिया, हंस लिया ना, तो दिन भर क्रोध नहीं आएगा। डेढ़ मिनट का ये आप पुरुषार्थ करें, आपका क्रोध आपसे दूर चला जाए।